चलिए क्लास शुरू करते हैं इस टॉपिक का CV4 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो क्लास अगर हम ये देखें कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, तो इसमें यह बताया गया है कि वाटर के अंदर कुछ स्पीसीज जैसे कि कुछ आयंस, उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए। और ये आयन हो सकते हैं फ्लोराइड, सल्फेट, लेड 2 पॉजिटिव और NO3 माइनस यानी कि नाइट्रेट आयन। आइए पहले बात करते हैं फ्लोराइड की। तो क्लास जो फ्लोराइड है उसकी जो लिमिट है यानी कि जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है वाटर में, इट मस्ट बी 1 ppm, और ये ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। तो क्लास अगर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें F माइनस यानी कि फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 ppm या 1 mg पर डेसीमीटर क्यूब होनी चाहिए। अब क्लास क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर में F माइनस यानी कि फ्लोराइड आयन होने के फायदे क्या हैं। तो क्लास ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारे टीथ होते हैं और उन पर जो कवर होता है एनेमल, उसमें हाइड्रोक्सी एपेटाइट प्रेजेंट होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। और क्लास जो हम पानी में फ्लोराइड आयन पानी के साथ पीते हैं उससे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये कन्वर्ट होने लगता है फ्लोरोएपेटाइट में, जिसका केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक मच हार्डर सब्सटेंस है। यानी कि यूं कहें कि हमारा जो इनेमल है वो और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। आइए अब बात करते हैं फ्लोराइड के इफेक्ट्स की। तो क्लास अगर फ्लोराइड वाटर में लो कंसेंट्रेशन में है तो उससे टूथ डिके हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर फ्लोराइड आयन वाटर में हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो इससे ब्राउन मॉटलिंग ऑफ टीथ हो सकता है। इसके अलावा अगर फ्लोराइड की जो मात्रा है वाटर में वो बहुत ज़्यादा हो जाए यानी कि वो 10 ppm के ऊपर पहुँच जाए, तो क्लास उससे हमारी जो बोन्स होती हैं और जो हमारे टीथ हैं ये डैमेज हो जाते हैं। आइए क्लास अब बात करते हैं लेड की। तो क्लास द अपर लिमिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लेड इन ड्रिंकिंग वाटर इज अबाउट 50 ppb यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। और क्लास इफेक्ट्स देखें अगर हम लेड के, तो उसमें लेड जो होता है अगर पानी में ज़्यादा मात्रा में हुआ यानी कि हमारे ड्रिंकिंग वाटर में, तो वो डैमेज कर सकता है हमारी किडनी को, हमारे लिवर को और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो क्लास इसका मतलब ये है कि लेड तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर वो निर्धारित की गई मात्रा से ज़्यादा हो जाए। आइए क्लास अब बात करते हैं सल्फेट की। तो क्लास जो सल्फेट हमारे ड्रिंकिंग वाटर में होता है उसकी जो निर्धारित मात्रा है वो है लगभग 500 पार्ट्स पर मिलियन। और अगर सल्फेट आयन्स की ये मात्रा हमारे ड्रिंकिंग वाटर में 500 ppm से ज़्यादा हो जाए तब लैक्सेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, अदरवाइज मॉडरेट लेवल पे सल्फेट आयन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। आइए अब बात करते हैं नाइट्रेट आयन्स की। तो क्लास नाइट्रेट आयन की जो मात्रा निर्धारित की गई है वो है लगभग 50 ppm। और क्लास अगर नाइट्रेट आयन हमारे ड्रिंकिंग वाटर में एक्सेस में हो जाते हैं तो ये कुछ बीमारियों को जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि मेथेमोग्लोबिनेमिया। इस बीमारी को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। आइए क्लास अब देखते हैं द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम मेटल्स इन ड्रिंकिंग वाटर। तो क्लास यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है जहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मेटल्स हैं और राइट हैंड साइड में उनकी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है ppm में, जो कि वाटर में प्रेजेंट हो सकती है। इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर मेटल की मौजूद है तो वो वाटर हमारे लिए निश्चित ही हानिकारक होगा। जैसे हम आयरन की बात करें तो उसकी जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है ppm में, इट इज़ 0.2 ppm। इसी प्रकार से जिंक की बात करें तो इट इज़ 5 ppm। और इसी प्रकार से बाकी मेटल्स की भी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अलाउड इन वाटर आप देख सकते हैं। चलिए क्लास इस टॉपिक की समरी देख लेते हैं। तो क्लास इस टॉपिक में हमने वाटर पॉल्यूशन और उसके सोर्सेज के बारे में स्टडी किया, जहां पर हमने पाया कि कुछ सोर्सेज पॉइंट सोर्सेज होते हैं जबकि कुछ सोर्सेज नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं। हमने इस टॉपिक में वाटर पॉल्यूशन के कॉजेज के बारे में स्टडी किया, जहां पर हमने देखा कि कॉजेज में कुछ कॉजेज हैं पैथोजेंस,
ऑर्गेनिक वेस्ट और केमिकल पॉल्यूटेंट्स। हमने यहाँ पर देखा कि जो पैथोजेंस हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो किस प्रकार से वाटर को पॉल्यूट करते हैं और डिफरेंट डिसीज का कारण बनते हैं। इसी प्रकार से हमने ये भी देखा कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वो किस प्रकार से वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करते हैं। और क्लास यहाँ पर हमने केमिकल पॉल्यूटेंट्स के बारे में भी स्टडी किया, जिसमें हो सकते हैं हैवी मेटल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और अगर एक्सट्रीम लेवल पर बात करें तो कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। हमने इस टॉपिक में बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में भी स्टडी किया, जहां हमने देखा कि अगर वाटर बॉडी या वाटर क्लीन है तो वहां पर जो ppm वैल्यू है डिजॉल्व ऑक्सीजन की वो 5 ppm से कम होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो वहां पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू होती है वो इक्वल और मोर देन 17 ppm होती है। और क्लास इस टॉपिक में हमने यूट्रोफिकेशन के बारे में भी स्टडी किया। इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक के यहाँ पर मेंशन किए हुए क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, 8, 17 और 20।